श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंठ लगाए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब धाम की रामतें कहने का तात्पर्य, धाम में ब्रह्मात्माएं किस प्रकार के खेल करती है। पशु पक्षियों का खेल देखा, अब ब्रह्मात्माओं का प्रेम देखा, तो उसके बाद में तो वो कैसे कैसे खेल करती है, उनमें कैसे कैसे विशेषताएं हैं, वो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। जैसे रास ग्रंथ में भी रामतें हैं, तो रास की रामतें हैं और ये धाम की रामतें हैं। तो दूसरी रामतें जो रास की रामतें हैं, तो रास के खेल, रास लीला, रास की क्रीड़ाएं, रामतें कहने से ये समझना पड़ेगा रास की क्रीड़ाएं। तो सामान्य रूप से लगता है कि कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, मनुष्य सोच सकता है, किंतु धाम की रामतें हैं तो मनुष्य सोच नहीं पाता है, वो अलग प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की है। वो धाम में हो सकता है, दूसरी जगह तो संभव नहीं है। तो वो बात यहाँ स्पष्ट होती है, समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है वो हो सकती है, कुछ बातें हैं तो वो दुनिया में नहीं हो सकती है। एक चित्रामन देवालय, एक चित्रामन देवालय बन, तो ये चरचरी छंद है, तो इस प्रकार से होता है। चढ़िए तीन परधाए, तो एक सखी, एक कहने का तात्पर्य कोई सखी, चित्रामन देवालय बन, देवाल में बन का तात्पर्य वृक्ष, देवाल में वृक्ष का चित्र है, तो उस चित्र पर चढ़िए तीन परधाए, उस पर दौड़ करके चढ़ती है, वृक्ष पर चढ़ते हैं। अब चित्र पर चढ़ सकते हैं, हाँ, तो वो परमधाम में वो वृक्ष भी, वो तो कई उसमें, अब जैसे यहाँ है तो फोटो होगा, तो 3 डायमेंशन में, किंतु अब वो परमधाम है, वो तो उसमें वो डायमेंशन का कोई पारावारी नहीं है। तो वो इस प्रकार से हैं, तो वृक्ष ही है, ऐसा भी लगता है, तो ऐसा ही दिखता है, तो उसमें चढ़ भी सकती है। एक चुटकी लेके भागी ताली देके, कहे दौड़ मिलियो आए, तो कोई सखी, एक कहने का तात्पर्य कोई सखी, कोई इस तरह से भी खेल करती है, कोई किसी को ऐसे चुटकी दे करके, चुटकी भर करके और चुटकी लेके भागी ताली देके, और किसी को ऐसे ताली दे करके, ऐसे चुटकी बजा कर उसको ऐसे ताली दे करके फिर दौड़ती है और बोलेगी दूसरे औरों को, किसी को मेरे साथ आना होता हो, कहे दौड़ मिलियो आए, तो कौन जल्दी पहुंचते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे बच्चे हैं तो इनको कभी कभी हम दौड़ाते हैं, वहाँ जा कर के, वहाँ पहुँच कर के कौन आ सकता है, तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो उनका तो ये है कि वो दौड़ते रहेंगे तो उनकी वो एक्सरसाइज होगी। तो परमधाम में तो ये सब इस प्रकार की लीलाएँ करती। एक गली एक गली घर में दे परकर में उमंग अंगनम आए। घर करने का तात्पर्य धाम, तो धाम में किसी भी कोई भी गली हो तो मानो उसमें पूरी परिक्रमा करके पूरा घूम करके आती है। तो मानो यही समझ लें बाहरी हार मंदिर और अंदर के तो बीच में तो रास्ता है, चारों तरफ घूम करके आना चाहें तो धाम में आ सकते हैं। तो बड़े उमंग से आते हैं, उमंग अंगनम आए, तो उनका उमंग उनके अंग में समाता नहीं है। एक का कपड़ा धाये के पकड़ा, खींच चली चित चाय। तो कोई किसी के कपड़े को पहन कर पकड़ करके खींचती है और चलो अपने जिधर ले जाना हो तो उसको ऐसे कोई हाथ पकड़ करके खींच लेती है, तो कपड़ा पकड़ करके भी खींच लेती है और जिधर ले जाना है उधर ले जाती है। छज्जे चढ़ा एक दूजी देवे ठेक। कोई छज्जे पर चढ़ती है और दूसरी तो वहाँ छज्जे पर चढ़कर, कोई छज्जे पर चढ़ती है, कोई छज्जे पर चढ़कर, वो ठेक देने का तात्पर्य पैर पछाड़ते हैं। तो यों कई ठेकतियाँ जाए, इस प्रकार कई ऐसे ठेकते हैं। एक दो पाँव ठेके खेल विषय के। कोई तो दोनों पाँव से ठेक देती है, मतलब एकदम जंप करती है। हाँ, तो स्पाइडरमैन को किसी भी तरीके से जानो लगत न छज्जे पाए, तो उस तरह से उछलती है। तो जैसे उनका वो पैर है ना, वो छज्जे में नहीं है, ऊपर ऊपर ही है ऐसे। तो जैसे वो एक लड़का है ना, वो डोरी वो रस्सी वो क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें खेलता है तो अच्छा खेलता है। तो इतने स्पीड में हो तो नीचे ज़मीन में पैर जाते पहुंचते हो ऐसा लगता नहीं है। तो उस तरह से कर सकती है। सखियाँ चढ़ाए छज्जे न माए, खेल रचे न दाए। तो सखियाँ छज्जे में चढ़ती है, दौड़ दौड़ करके चढ़ती है, तो छज्जे में समाती नहीं है। तो एक छज्जे में दो छज्जे में ऐसे नहीं समाएगी, बहुत है तो बहुत है। तो अब सारे ही नहीं भी चढ़ती होंगी कि कितने चढ़ते हैं, कोई देखने वाले होंगे। तो खेल रचे न दाए, तो ये दाव दाव से दाए या बनाया। तो इस प्रकार एक दीवालों घोड़े तित चढ़ दौड़े, नए नए खेल उपाय। तो कोई दीवाल में जो घोड़ा चित्रित है तो वो भी जैसे रियल घोड़ा हो ना, उस प्रकार का लगता है। तो उसमें दौड़ करके वो चढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार नए नए खेल उपाय, नए नए खेल करते हैं। एक दूजी को ठेले तीसरी हड़सेले, यूँ पड़ियाँ तीनों गिरा। तो कोई एक को धक्का मारती है, तो हाथ से धक्का मारा, और दूसरे वो आगे बढ़ी तो पूरे शरीर से ही धक्का मारा, तो उसको हड़सेलना। त्यों पड़ियाँ तीनों गिरे, इस प्रकार फिर वो तीनों धक्का देने वाले भी गिर जाती है, वो आगे वाली भी, ऐसे तीनों गिर जाते हैं। कोई और आए गिरे ऊपरा ऊपरे। तो ये देख करके दूसरे देखने के लिए वहाँ पर दौड़ करके आती है, तो वो भी उनके ऊपर में गिरती है। उठ न सके क्यों करा, तो सब इतने खुश रहती होती है तो वो उठ नहीं पाती है वहाँ से। एक दौड़ियाँ जाए दई हंसियाँ गिराए। तो कोई दौड़ते करके जाती है और इतने हंसती हुई जाती है कि वो गिर पड़ती है हंसते हंसते, और फिर दूसरी जाती है, तीसरी जाती है, ऐसे करते करते तो सभी वो उसमें ढेर हो जाता है। हुआ ढेर ऊपरा ऊपर, तो ऊपरा ऊपर ढेर हो जाती है। एक खेलते हारी जाए पड़ी न्यारी, खेल होत इन पर। तो कोई खेलते खेलते तो ऐसे किसी भी तरीके से तो हार जाती है तो वो तो अलग होती है। ऐसे वो अलग अलग प्रकार के खेल होंगे तो ऐसा होता है ये कोई हारता है तो वो अलग, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी तो कोई आउट हो जाता है तो उसको अलग बैठना पड़ता है ना। तो इस प्रकार से कोई आउट हो जाती है तो वो एक तरफ जाए पड़ी न्यारी दूसरे तरफ जा कर के बैठ जाती है। खेल होता ही न पर इस प्रकार भिन्न भिन्न खेल होते हैं। होवे इन विध हाँसी अंग उलासी सुल आवट आवत पेट भरा। तो इस प्रकार आनंद में अंग में उल्लास छा जाता है। तो कभी कभी तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतने ज़्यादा हंसने लग जाते हैं तो पेट में पीड़ा होने लगती है। कभी वो पेट का वो मरोड़ता है, वो भी अलग अलग है। जैसे वायु है ना पंच प्राण, तो वो प्राणों के अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। तो कभी कोई प्राण तो वो थोड़ा सा उनका प्रभाव बढ़ जाता है तो ऐसे ज़्यादा खुशी होने पर कभी बढ़ता है। जैसे कभी कुछ खाते हुए अटक जाता है तो वो भी तो उसके कारण ही अटकता है, वायु के कारण ही अटकता है। तो ऐसे वो उसमें शरीर में कहीं पीड़ा होती है तो वायु के हिसाब से होती है। ज़्यादातर शरीर की पीड़ा है तो वायु के हिसाब से होती है। तो वायु में कहीं रुकावट आ जाए तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार से उसमें तो वो ऐसे दूसरी कोई पीड़ा नहीं है किंतु तो ऐसे अलग खुश होते हुए तो वायु का उस प्रकार से संयोग बन जाता है तो फिर तो उनको वो पीड़ा अनुभव करती है। तो एक असूला भर पेटे इन विध लेटे एक देखो खेल खबर। कोई तो पेट ऐसे हंसते हंसते ना तो मानो पेट में दर्द होने लगा हो तो वो खुशी ही है तो ऐसे करके वो लेट जाती है, हंसते हंसते ही लेट जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे लोटपोट करती है। तो ऐसी ये खेल की अलग अलग प्रकार के शोभाएं हैं। एक लेटतियाँ जाए सूल उभराए उठे कर पकर। तो कोई जो लेट रही है तो हंसते हंसते तो वो गिर पड़ती है ये समझ लें, तो उसको उठाने के लिए दूसरी जाती है तो वो भी हंसते हंसते उसके ऊपर में गिर जाती है। आई ते न हाँसी मावे न श्वासी गिरी पकड़े कर। तो उनको भी उसको देख करके हंसी आती है तो और उस फिर उनका भी ना वो हंसी रोक नहीं पाती है तो श्वास को रोक नहीं पाती है और गिरी पकड़े कर हाथ पकड़ करके उठाती हुई भी उसी में गिर जाती है। देखो इनको सूल मुख सनकुल दर्द न माए अंदर। तो ऐसा लगता है कि उनको अंदर अंदर तो पीड़ा होगी लेकिन इतने प्रसन्न है। कहने का तात्पर्य परमधाम में ये सब खेल है तो उसमें ऐसे कोई पीड़ा दुख दर्द ऐसे नहीं होते हैं। तो वो खेल है, खेल में ऐसा फील करते हैं। सखियाँ बेशुमार हुआ अम्बार ये देखो निके नज़र। तो इस प्रकार सखियाँ तो क्या है, बेशुमार है, असंख्य इतनी सखियाँ हैं। तो संख्या होते हुए भी ना तो जब दौड़ते करते हैं खेलते हैं तो पता ही नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हो अम्बार तो उनकी मानो अम्बार का तात्पर्य तो ऐसा ही है। तो वो जिनका इतना ज़्यादा हो गया, जैसे इतना ज़्यादा उसमें वर्षा हो रही हो इस प्रकार ये समझना पड़ेगा। तो सखियों की क्रीड़ा है, उनका कोई पारावार नहीं है। ये देखो निके नज़ारा, तो अपनी दृष्टि से आत्मा की दृष्टि से ध्यान से देखो तो पता चलेगा। श्याम श्यामा जी आए देखो खेल बनाए सब उठिया हंस कर। तो श्याम श्यामा जी आते हैं तो सखियों के खेल को देखते हैं क्या कर रही है। तो उस समय तो श्याम श्यामा जी को देख करके तुरंत सबके सब उठ जाती है। खेले महामती देखलावे इंद्रावती खोले पट अंतर। तो अब यह महामती है तो महामती खोले पट अंतर उसमें ये लगेगा। महामती तो महामती कहे बोलते हैं ना, उसके लिए है महामती शब्द। तो महामती सब ये सब बता करके सबके अंतर पट को खोल रहे हैं। अब कैसे? तो ऐसे विभिन्न प्रकार के खेल को इंद्रावती जैसी सखियाँ विभिन्न प्रकार का खेल खेलती हैं। तो ऐसे उनके खेलों को दिखला करके महामती सबके अंतरपट को खोल रहे हैं, सब परमात्माओं को समझा रहे हैं, देखो परमधाम में ऐसा होता है। तो ये एक रामत हो गई। तो रामत दूसरी रामत की बात करते हैं। एक अंग अभिलाषी देवे साखी कहे वचन विशाल। तो कोई मन में अभिलाषा लेकर के आती है और दूसरे ब्रह्मात्माओं की बात की साक्षी देती है। कहने का तात्पर्य तो दूसरे ब्रह्मात्माओं को कोई ऐसा कुछ करके कुछ खेल कर रही है तो उनको हाँ ठीक है ये करें, उनका अनुबोधन देती है कि हाँ ऐसा हुआ था, उस पर उनकी साक्षी देती है। कहे वचन विशाल और बड़ी बात करती है का तात्पर्य, विशाल कहने का तात्पर्य तो ये परमधाम की तो ये बातें भी बड़ी होती है। तो इस प्रकार के एक कर कंठ बाहें मिल लपटाएं खेलतियाँ करे ख्याल। तो कोई किसी के कंठ में बाह डालती है और लिपट जाती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएँ होती है। एक आवे लटकतियाँ बोले मीठी बतियाँ। कोई लटकती मतलब ऐसे झूमती हुई आती है तो लटकती हुई मचकती हुई तो और बातें मीठी मीठी करती है। चले चमकती चाल, तो चलती है तो उनके चाल में ना चमक अलग प्रकार की दिखाई देती है। एक आवे मलपतियाँ, तो कोई झूमती हुई आती है। रंग रस रतियाँ, और इतने प्रेम में मग्न हुई है। रत होना, रतिया का तात्पर्य रत होना, मलपत तो इस तरह से मलपत का मलपतियाँ, वात का बतियाँ। तो ऐसे वो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से बोला जाता है। तो बुंदेली में रहे आठों जाम खुशहाल। इस प्रकार सब आठों याम सब खुशहाल रहते हैं, सब हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी चिंता संताप नहीं रहती है। एक आवे नाचतियाँ भमरी फिरतियाँ दे भूषण पाँव पड़ताल। कोई नाचती हुई आती है और जैसे वैसे घूमती हुई, भंवरी बोलते हैं ना तो ऐसे घूमना, तो उस तरह से नाचती हुई ऐसे घूमती घूमती आती है। देवभूषण पाँव पड़ताल, तो उस समय ना तो उनके पाँव पड़ताल, पाँव के पड़ताल पगतली है। तो जैसे ये है हथेली है, उसको संस्कृत में करतल भी कहते हैं, करतल ये और करपृष्ठ ये हो गया। तो इस तरह से दोनों को ऐसे टच करते हैं तो करतल करपृष्ठ ऐसे। तो वो तो ऐसे करतल उनके उसमें पाँव तल से, पाँव की ध्वनि से तो ऐसे वो उसमें बड़ा उनके देवभूषण पाँव पड़ताल। तो उस समय वो भूषण आभूषण बजते हैं। एक गावती आवे तान मिलावे कोई स्वर पूरे तिन नाल। कोई गाती हुई आती है और कोई उनके साथ नृत्य का तान मिलाती है। कोई स्वर पूरे तिन नाल, कोई गाती हुई आती है और उनको सहयोग करती है। तो स्वर पूरे का तात्पर्य दूसरों को देख करके चलो, तो उन्हीं को सहयोग करती है। एक माएँ धाम ने रखे चित्राम देखतियाँ थम देवाल। कोई धाम के स्तंभ में, दीवाल में कोई भी चित्र को देखती है तो वहीं पर वो खो जाती है। एक निरखे नंग नूर भूषण जहूर माएँ देखे अपने मिसाल। तो कोई निरखे अंग नूर, नंग नूर तो अपने जो भी आभूषण पहना हुआ है तो उनमें उसकी आभा को देखती हुई तो वहाँ अपना वो देखने लग जाती है अपने मिसाल का तात्पर्य तो अपने अपना प्रतिबिंब समझना पड़ेगा। तो उसमें अपना प्रतिबिंब देखना चाहती है। मिसाल तो ऐसे उदाहरण के लिए होता है, तो यहाँ प्रतिबिंब समझना होगा। एक मिलकर दौड़े बांध के होड़े लंबी जहाँ पड़साल। तो कोई कुछ ब्रह्मात्माएं ऐसे होड़ बांध करके दौड़ती है, तो लंबी जहाँ पड़साल, जहाँ तो लंबी खुली जगह हो न प्रतिशाल हो, तो वहाँ पर दौड़ती है। एक पीयू को देखे सुख विषय के कहे आनंद कमाल। तो कुछ सखियाँ एक पीयू को देखे सुख विषय के, धामधनी के दर्शन करते हुए अपार सुख का अनुभव करती हैं, कहे आनंद कमाल। तो वो उनको वो बोल, अब ऐसे इनको जो आनंद का अनुभव होता है ना, तो उसको शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, तो बस वो कमाल का आनंद बस वही कहा जा सकता है। एक बेन रसालें गावे गुन लालें शोभित मद मछराल। कोई बेन रसाल गावे गुन लाल, वंशी बजा करके धामधनी के गुणों का गायन करती है। शोभित मद मछराल, तो किसी का वो वदन, तो वो मद का तात्पर्य वो प्रेम से भरी हुई होती है। तो उनका मछराल है, वदन है, प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है, प्रसन्न वदन। एक बाजे बजावे मिलकर गावे सुंदर कंठ रसाल। तो कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं और सबसे मिल करके गाते हैं, और सुंदर कंठ रसाल, तो सबके कंठ से मधुर वाणी निकलती है, बड़ी सुंदर प्यारी वाणी निकलती है। तो उसमें रस ही रस भरा हुआ है। इस प्रकार कोई गाते हैं, कोई नाचते हैं, कोई बंसी बजाते हैं, कोई कुछ करते हैं, सबका अलग अलग प्रकार से ऐसे नृत्य होता है। एक पूरे स्वर सारे हुनर छेक वाले तीन ताले, वाले है या वाले होना चाहिए। तो एक स्वर पूर्ति है, सारे हुनर मतलब अपने पूरी कला लगा करके तो वो गाती है। तो छः कवाले तीन ताल दूसरी है, तो वो जैसे गाती है उसके अनुसार आप उसी ताल में तो अपने शरीर को मोड़ती है, तात्पर्य नृत्य करती है। एक पीयूषों हंसा हंसा बातें करे रंग रस करे हुए निहाल। तो कोई पीयू के साथ में हंस करके बातें करती है, प्रसन्न हो करके, और बड़ी उमंग में रहती है। करे हुए निशाल, वो निहाल, तो निहाल होने का तात्पर्य तो वो तृप्त हो जाना, छिक जाना। तो देख करके तो उसी में वो मस्त होती है, तो वो नज़र इधर उधर हटती नहीं है, तो तृप्त हो गई हो ऐसा लगता है। एक देखे धनी रूप अद्भुत स्वरूप कहा कहूँ नूर जमाल। एक धनी के स्वरूप को देखती है, वो तो अद्भुत स्वरूप है, और तो अब ऐसे अद्भुत स्वरूप नूर जमाल को क्या बताएं, इस प्रकार उनको लगता है। एक पीयूषों बातें करे अख्याते रंग रस भरिया रसाल। तो कोई पीयूष से बात करती है, करे अख्यात, अख्यात का तात्पर्य ऐसे वार्तालाप। तो ऐसे वो वार्तालाप करते 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 उसमें वो उसी में मस्त हो जाते हैं ना, उस प्रकार से। रंग रस भरिया रसाल, इस प्रकार सब प्रेम में मग्न होती है। एक रस रीत उपजावे प्रीत देखावे अपनो हाल। तो ये अलग अलग प्रकार के खेल में ना, कोई को किसी प्रकार से करती है तो दूसरे उसमें सम्मिलित होती है। देखने वाले हैं तो देख करके प्रसन्न होते हैं, वो खेल कर प्रसन्न होते हैं, और इस ऐसे अपना हाल, अपनी स्थिति को दिखाते हैं। तो एक अंग अलबेली आवे अकेली हाथ में फूल गुलाल। तो एक अलबेली, तो अलबेला का तात्पर्य मस्त, तो ऐसे अकेले दौड़ करके आती है मस्ती में, और हाथ में फूल गुलाल, हाथ में गुलाल गुलाबी रंग का लाल लाल तो फूल भी होता है। तो इस प्रकार से दौड़ करके आती है। एक अटपटी हालें तिरछी चालें। कोई अटपटी हाल का तात्पर्य वो किस दशा में है वो बताया नहीं जा सकता ऐसे, और तिरछी चालें वो चलती है, तो तिरछी तिरछी होकर के खुश होकर के खुशी में, हाथ में छड़ियाँ लाल, तो हाथ में लाल छड़ी भी है हाथ में, तो इस ऐसे लेकर के वो तो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही है। एक नेत्र अनियाले प्रेम रसाले रंग लिए नूर जमाल, किसी के नेत्र अनियाले तीखे नेत्र हैं तो किसी की ओर जैसे धामधनी की ओर दृष्टि करती है तो उसी में लगी रहती है, ऐसे प्रेम रसाले तो प्रेम रस में भरी हुई, रंग लिए नूर जमाल धामधनी के दर्शन करते हुए उनके रंग में रंग जाए, वो उसी में सब कुछ भूल जाए, वो देखती रह जाए। ऐसा कहे महामती इन रंगरती उठी शो हंस देताल, महामती कहते इन रंगरती ऐसे रंग में प्रेम के रंग में वो ऐसे मस्त हो जाती है। उठी शो हंस देताल, जब उठती है तो उस समय तो वो उठी शो हंस देताल वो ऐसे उसमें करताल ध्वनि से उठ जाती है। तो कोई ऐसे उसमें वो मग्न बनी हुई होती है तो ऐसे दूसरे जा कर के उनको ऐसे करके उनको उसमें से जगाती है, तो फिर वो तो उसमें से सचेत हो जाती है। सचेत तो अचेत तो हुई नहीं थी किंतु उसमें मस्त हुई थी, उसको किसी तरीके से उसमें से दूसरी लीला में जोड़ती है। तो इस प्रकार के तो ये परमधाम की लीलाएँ हैं, परमधाम की रहमतें। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की उठी सो हंस दे ताल, एक नेत्र अनियाले प्रेम रसाले, एक नेत्र अनियाले प्रेम रसाले, रंग लिए नूर जमाल, रंग लिए नूर जमाल। उठी सो हंस देताल, उठी सो हंस देताल, उठी सो हंस देताल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।